हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। आप सभी लोग जानते हैं आपका होने वाला है MTS का एग्ज़ाम, SSC MTS। वैसे अगर देखा जाए ना तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सीरियसली बोलूँ तो बहुत ईजी एग्ज़ाम आता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। अगर आपने ढंग से, सही मायने से, सही तरीके से जम करना 4 महीने भी तैयारी करिए ना, प्रॉपरली अगर आपने 4 महीने तैयारी करी, आपने ना दिन देखा, ना रात देखी, आपने ना भूख देखी, ना प्यास देखी, आपने ना घर देखा, ना बाहर देखा, और बाहर देखने से मेरा मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ना उसे देखा और ना इसे देखा, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर 4 महीने आपने लगकर तैयारी कर ली तो भाई चाहे कोई आपको कुछ भी बोले कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम है, बहुत टफ आता है, बहुत हाई कट ऑफ रहेगी और बहुत बेसिक एग्ज़ाम होता है, बहुत सिंपल आता है, मतलब सच बताऊँ इतना सिंपल आता है, वहाँ लिख रखा होगा 2 की पावर 3 है और उसके साथ में 3 की पावर 4 है, तो इधर की तरफ बताइए। वो एनालॉगी का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑलमोस्ट सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन आसान आते हैं, मगर लगभग 100 में से ना, कम से कम अगर बताऊँ ना, मिनिमम से मिनिमम 100 में से तकरीबन 65 के आसपास क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चा 4 महीने भी तैयारी करके जाएगा, 65 तो ठीक है उसके, उसके बाद डिपेंड करेगा कि उसने दिन देखा, ना रात देखी, ना घर देखा, ना बाहर देखा, और उसने अगर बाहर नहीं देखा इन 4 महीने में तो लगभग उसके 75 के आसपास सवाल ठीक हो जाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कहूँगा, क्योंकि MTS का एग्ज़ाम तो नहीं, मगर SSC के अन्य एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं, इसके अलावा KVS का एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट सही बताऊँ ना, बहुत सिंपल होता है यार पेपर क्रैक करना, अगर आप ढंग से दिमाग लगा के और ध्यान लगा कर काम करेंगे तो। ठीक है, चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए। पहले मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ क्या करवाने वाला हूँ। आज का मेरा टारगेट है इन्वेंशन और इन्वेंटर्स करवाना। जैसे आपने सुना होगा कि भाई डायनामाइट की खोज किसने करी, ठीक है, अल्फर्ड नोबल ने करी, इसी प्रकार से बॉल पेन की खोज किसने करी, फाउंटेन पेन की खोज किसने करी, और भी अन्य बहुत सारे सवाल। इन सवालों की आज एक कंप्लीट क्लास करा दूंगा, 75 क्वेश्चंस हैं, लगभग 2 घंटे के आसपास आपकी क्लास आज चलेगी और उसमें आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा इन्वेंशंस और इन्वेंटर। आप बोलोगे कि ये क्यों करवा रहे हो, पूछता है जी, डेफिनेटली सवाल एग्जाम में बनता है, इसीलिए मेरा टारगेट है कि आपको मैं ये भी अपनी तरफ से कराकर भेज दूं, आपको परफेक्ट बनाकर भेज दूं, क्योंकि उसके बाद आप कहीं ये ना बोले सर ना हमने घर में देखा था, ना हमने घर के बाहर देखा था, हमने जहां देखा था MTS का सपना देखा था और वो सपना साकार होने में थोड़ी सी अड़चन आ गई। तो मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी आपकी अड़चन या अड़चना दोनों में से कुछ भी आपको कहीं नजर आए, इसीलिए मेरा टारगेट है कि आपका ईजिली एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी लोग जानते हैं मेरी क्लासेस आपको वाईफाई स्टडीज 2.0 और साइंस 7 चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा ये कुछ कोर्सेज रहेंगे, किसी को भी किसी प्रकार के कोर्स में अगर एनरोलमेंट करनी है तो उसे यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। अगर आपने मेरा कोड इस्तेमाल नहीं किया तो भूल जाइए कि डिस्काउंट मिलने वाला है, और अगर भाई साहब इस्तेमाल किया तो क्या पता ईश्वर का आशीर्वाद भी साथ मिल जाए, तो कोड जरूर यूज़ कीजिए CM10। इसके अलावा ये रहेगा आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी, यदि किसी का किसी प्रकार का सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट है तो इस प्रक्रिया को फॉलो करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा ये रहेंगे सितंबर महीने के कुछ कोर्सेज, किसी को भी SSC कैटेगरी में या किसी भी अन्य कैटेगरी में, चाहे किसी भी चीज़ की वो तैयारी क्यों ना कर रहा हो, बस यूज़ करना है एक कोड CM10 और हो सकता है आपकी किस्मत चमक उठे और चमक जाए। डिस्काउंट तो आपको मिलना ही है, मगर क्या पता कोड यूज़ करने के बाद और बेहतर आपकी किस्मत चमक उठे, ऐसा मेरा मानना है, बस ईश्वर की कृपा से क्या पता और अच्छा हो जाए। चलिए इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट, कल दोपहर 12 बजे तैयार रहना, बस ध्यान रखना यूज़ करना मेरा कोड CM10, इसमें एंट्री आपको ईजिली मिल जाएगी इसके तरीके से। इसके अलावा ये कुछ अन्य और कोर्सेज रहेंगे, किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। चलिए ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दबाजी मत करना और दिमाग ज़्यादा मत लगाना कि इसका इन्वेंटर वो होगा, इसका इन्वेंटर वो होगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ कल या परसों आपको करा दूंगा, 2 क्लासेस में आपका काम चल जाएगा हिस्ट्री के सवालों का। ठीक, चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से, जल्दी से जितने विद्यार्थी भी मौजूद हैं फटाफट से क्लास को शेयर कर दो भाई, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट सभी विद्यार्थी मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन, वो बोल रहा है जिस बॉल पेन से ना हम काम करते हैं उस बॉल पॉइंट पेन को का आविष्कार करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है। ऑप्शन है ब्रियो ब्रदर्स, वाटरमैन ब्रदर्स,
बिग ब्रदर्स या फिर राइट ब्रदर्स, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हो, 15 सेकंड का समय आपका शुरू हो गया है, ये मेरे पीछे, ठीक है, 15 सेकंड की घड़ी आपकी चल रही है, मात्र 15 सेकंड में आपको इस सवाल का जवाब सही देना पड़ेगा। इवन एग्ज़ाम में आपको और कम समय दिया जाएगा। अमित राज गुप्ता जी, सीमा दुबे जी, राजकुमार जी, शिवांगी जी, संध्या डॉक, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुशील कुमार योगी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजा कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन, मतलब जो बॉल पॉइंट पेन का हम इस्तेमाल करते हैं उसके इन्वेंटर का नाम क्या है। सवाल यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जा रहा है, आपको ईयर मिल जाएगा 1890s के आसपास, 1890 के आसपास ईयर मिल जाएगा जहाँ पे इसकी इन्वेंशन की गई थी, जहाँ पे इसकी खोज की गई थी। ये सवाल CHSL में भी पूछा गया और यही सवाल CGL के एग्जाम में भी पूछा गया है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ब्रियो ब्रदर्स। ब्रियो ब्रदर्स के द्वारा खोज करी गई थी, किसकी, इन्वेंट किया गया था बॉल पॉइंट पेन। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, जो फाउंटेन पेन होता है ना, वो फाउंटेन पेन की खोज किसके द्वारा की गई थी, इसका जवाब आप दे दीजिए। जो फाउंटेन पेन होता है उस फाउंटेन पेन की खोज किसके द्वारा की गई थी, उसका जवाब आप दे दीजिए। इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया, ऑप्शन नंबर ए, ब्रियो ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, इन विच डेकेड वॉज द फर्स्ट सॉलिड स्टेट इंटीग्रेटेड सर्किट डेमोन्स्ट्रेटेड। आपने देखा होगा आईसी चिप्स, अगर वो ब्लैक वाली चिप्स आपने देखी होंगी तो ऐसे करके आपको चिप्स नज़र आती हैं, बिल्कुल ये डार्क ब्लैक करके ऐसे ऐसे करके आपको चिप्स नज़र आएंगी। तो ये उसी की बात कर रहा है कि पहला सॉलिड स्टेट इंटीग्रेटेड सर्किट किस दशक में प्रदर्शित किया गया था। इन विच डेकेड वॉज द फर्स्ट सॉलिड स्टेट इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जवाब देने की कोशिश कीजिए। सर MTS का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, एक बार मेल ड्रॉप करिए SSC को, एक बार मेल ड्रॉप करिए और रीज़न मांगिए कि क्यों, मतलब क्यों मेरा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। एक बार मेल ड्रॉप करके कोशिश ज़रूर कीजिए कि काम चल जाए, ट्राई ज़रूर कीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। एक बार अपनी तरफ से मेल ज़रूर ड्रॉप कीजिए और ट्राई कीजिए कि काम चल जाए, मतलब वो कुछ ना कुछ रिप्लाई दे आपको। बहुत बढ़िया, रॉबर्ट नॉइस करके व्यक्ति मिलेंगे जिनके द्वारा इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ईयर मिलेगा आपको 12 सितंबर 1950, मतलब 50s वाले एरा में आपको ईयर मिलेगा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर बात करें, अगर 1950 से 1960 के बीच में ये काम हुआ होगा ना, तो आपको इस सवाल का जवाब 1950 ही देना होगा। नियर बाय नहीं खेल सकते कि नियर बाय पड़ेगा 1950 1960 के, तो मैं वो सवाल का जवाब सही दूंगा। 12 सितंबर 1958 को इसकी खोज, मतलब इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, पहली बार इसको कार्य करके दिखाया गया था, क्लियर, 12 सितंबर 1958 को। तो सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए है, 1950 है। अगर डायरेक्ट ऑप्शन 1958 दिया होता तो आपको इसी को सही टिक करना पड़ता और जवाब देना पड़ता। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, जो आईसी चिप्स होती हैं जिसे हम इंटीग्रेटेड चिप्स के रूप में जानते हैं, आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड चिप्स की वो बात कर रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात कर रहा है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेटेड चिप्स के बारे में, वो दुनिया की कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड चिप्स का निर्माण करती है। चलिए जवाब दीजिए, वो दुनिया की कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड चिप्स का निर्माण करती है, क्या वो माइक्रोसॉफ्ट है जिसके फाउंडर आपको बिल गेट्स मिल जाएंगे। बिल गेट्स के बारे में अगर आप जानते हो तो हाल फिलहाल में बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का डाइवोर्स हुआ है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 17 ईयर्स, मतलब शायद 17 साल के आसपास उनकी शादी चली, उसके बाद उनका डाइवोर्स हो गया। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स के नाम से एक फाउंडेशन भी मिल जाएगा, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन। इसके अलावा अगर बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति के रूप में कौन उभर कर, मतलब किसने इस सदी में सबसे ज़्यादा दान किया, तो जमशेद जी टाटा, मतलब JRD टाटा के हिसाब द्वारा दान किया गया। ये भी रिपोर्ट पेश करी गई है एक कंपनी के द्वारा। अगर आईसी चिप्स की हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आईसी चिप्स इंटीग्रेटेड चिप्स निर्माण करने वाले कंपनी का नाम है इंटेल। वो आपने इंटेल इनसाइड की ऐड देखी होगी ना, तो ये वही वाला इंटेल है। सवाल का जवाब है इंटेल। बहुत बढ़िया, चलिए क्लास को एक बार शेयर कीजिए फटाफट से, और क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए। कल यार लगभग 400-450 के आसपास विद्यार्थी थे, तो डेली आया करिए आप क्लास लेने के लिए यार, चूज़ करेक्ट, एटलीस्ट खुद भी तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ कि एग्ज़ाम में क्या आता है और तुम्हें क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा है टीचर, और क्या वो परफेक्ट कंटेंट तुम्हें दे रहा है नहीं दे रहा, खुद भी एक बार आइडिया लगाइए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल है, व्हाट JB डनलप इन्वेंटेड। वो बोल रहा है JB डनलप के द्वारा निम्नलिखित में से किस चीज़ का इन्वेंशन किया गया, इन्वेंट किया गया। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा यहाँ पे, जो भारत में रबड़ का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है। जो भारत में रबड़ का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है। हाल फिलहाल में एक एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई और बोला गया
कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि रबड़ की जो पैदावार है वो बहुत कम हो जाएगी, और जो मतलब रबड़ की जो पैदावार है उसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगी, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं रबड़ का इस्तेमाल होते हुए नज़र आएगा। इसी वजह से साइंटिस्ट को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा आर्टिफिशियल रबड़। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, लगभग 40,000 के आसपास लोगों ने उस वीडियो को देखा था और अच्छा खासा पसंद भी किया था। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? न्यूमेटिक रबर टायर, ऑटोमोबाइल व्हील रिम, रबर बोट या फिर रबर बूट या फिर मॉडल एयरप्लेन्स। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, बहुत बेसिक सवाल है। 1888 के आसपास ये खोज करी गई थी, 1888 के पास इन्वेंट किया गया था। क्या इन्वेंट किया गया था? तो आप जवाब देंगे न्यूमेटिक रबर टायर। तो आप देखते होंगे, आपने अगर साइकिल में कभी टायर डलवाया, आपने बाइक में कभी टायर डलवाया है, तो ज़्यादातर चॉइस जो व्यक्ति की रहती है वो यही बोलता है कि वो डल्लप का टायर दे दो। अब जब हम भी छोटे थे तो हम शॉपकीपर से जाकर, मतलब वो जो साइकिल बेचने वाला शॉपकीपर होता था उससे हम जाकर यही बोलते थे ऑलमोस्ट कि वो डनलप का टायर दे दो। अब जब हम डनलप उसे बोलते थे ना, तो हमें ये समझ नहीं आता था कि ये डनलप की बात कर रहा है या डनलप की बात कर रहा है। क्लियर? तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। सवाल का सही जवाब क्या है? न्यूमेटिक टायर। ईयर रहेगा 1888, 1888। रबड़ की पैदावार भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? एक सवाल ये भी है, बहुत बढ़िया। इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा केरला, मतलब केरल। केरल में कौन बैठे हुए आपको नजर आएंगे? केरल में बैठे हुए आपको नजर आएंगे पिनारियन विजयन। पिनारियन विजयन कौन रहेंगे? पिनारियन विजयन, तो पिनारियन विजयन कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री रहेंगे पिनारियन विजयन। केरल के मौजूदा गवर्नर राज्यपाल का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। केरल के मौजूदा गवर्नर राज्यपाल का नाम क्या है? केरल संबंधित मैंने बहुत सारे सवाल आपको कल करवाए थे, और तमिलनाडु संबंधित भी सवाल मैंने आपको कल करवाए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। वो बोल रहा है रेडियम तत्व, रेडियम की खोज करने वाले, रेडियोधामी तत्व, रेडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की खोज करी थी? चलिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इन्वेंशन पढ़ा रहा हूँ, इन्वेंटर पढ़ा रहा हूँ, ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सवाल पूछे जाते हैं कि समुद्र में जो सतह है या फिर समुद्र की गहराई को नापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उस डिवाइस को हम किस नाम से जानेंगे? तो फायदोमीटर करके उस डिवाइस को हम जानते हैं। तो डिवाइसेस भी पढ़ के जाना, ये सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं, आज भी ट्रेंड है। आइजैक न्यूटन के द्वारा, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा या फिर मैरी क्यूरी के द्वारा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? आरिफ मोहम्मद, बहुत बढ़िया, आप गवर्नर वाले सवाल का जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, मैडम मैरी क्यूरी को 2 बार नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैडम मैरी क्यूरी को 2 बार नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस किस विषय में? 2 बार उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, 2 उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, किन किन चीज़ों के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? एक सवाल आपके लिए ये भी है, ये सवाल भी एग्जाम में 100% बनने के चांसेस रहते हैं। सवाल का जवाब है मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। मैंने पूछा मैडम मैरी क्यूरी को कौन कौन सी चीज़ों के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या फिर आप इवन ये बता दीजिए कि किस क्षेत्र में। जैसे हम बात करें नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएंगे क्षेत्र, पीस हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, मेडिसिन हो जाएगा, इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा लिटरेचर। ऐसा ही चार्ट बना लेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा एक ही बारी में, फिजिक्स, पीस, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वाला सबसे लास्ट में स्टार्ट किया गया, 1968 में पहली बार दिया गया था पुरस्कार। क्लियर? किसी का कोई डाउट, किसी को कोई समस्या किसी भी प्रकार की, तो आप पूछ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है, वैन बॉस बार्ब वायर पेटेंट। वो बोल रहा है ये जो बार्ब वायर है ना, उसका पेटेंट कब करवाया गया? पेटेंट का मतलब अगर आप नहीं समझते तो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि मान लीजिए ये जो सेल है ना, इसकी खोज मैंने करी है। अब भाई मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि इसकी ना मुझे पेटेंट करवाना है, ठीक है? बौद्धिक संपदा के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल बौद्धिक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के बारे में, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। उसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा स्विट्जरलैंड के अंदर। क्लियर? 26 अप्रैल को मनाया जाता है सालाना बौद्धिक संपदा दिवस। क्लियर? तो वहां पर पेटेंट करवाया जाता है। अब सवाल यहां पर यह है, जो ये जो बार्ब वायर है ना, उसका पेटेंट कब करवाया गया? अगर बार्ब वायर आप समझ नहीं रहे तो आप ऐसे कर दीजिए और इसके ऊपर यूं करके रस्सी गूंद दीजिए, यूं करके इसके ऊपर रस्सी गूंद दीजिए,
उम्मीद करूंगा अब आपको बार्ब वायर का मतलब समझ आ गया होगा, वो कांटेदार जो तारे आपको नज़र आती है ना, इवन बॉर्डर्स पे नज़र आती है, और हमारे जो गांव होते हैं, गांव खेत खलियान होते हैं, तो आज भी हम हमारी ज़मीन का बंटवारा करने के लिए वो बार्ब टायर लगा देते हैं, जिससे भाई जंगली जानवर अंदर ना घुस पाए, और दूसरा वाला जो जानवर है, समझ सकते हो कौन से वाले जानवर की बात हो रही है, वो भी अंदर ना घुस पाए, हमारी ज़मीन पर अपना हक ना जता पाए। तो ये है बार्ब वायर, क्लियर। उम्मीद करूंगा मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि भाई ये बार्ब वायर क्या है। अब सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, ये बार्ब वायर का जो पेटेंट है ना, वो कब करवाया गया, कौन से ईयर में? चलिए जवाब दीजिए भाई। जोसेफ एफ गिडन नाम के व्यक्ति मिलेंगे, जोसेफ एफ गिडन नाम के व्यक्ति जिनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, जोसेफ एफ गिडन नाम के व्यक्ति मिलेंगे जिनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, इस बार्ब वायर की। अब सवाल यहाँ पे ये है, कौन से ईयर में इसका पेटेंट करवाया गया? सवाल का जवाब है 1874, 1874 में इसका पेटेंट करवाया गया, 1874 में इसका पेटेंट करवाया गया। आप बोलोगे सर ये पूछ सकता है क्या? सर आपके जीवन से संबंधित चीज़ है, आप डेली अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को देखते हो, बार्ब वायर को। इवन आपको शायद इसका नाम भी इंग्लिश में नहीं पता होगा कि भाई बार्ब वायर बोलेंगे। हम तो बचपन से बोल रहे हैं कांटे वाली तारों से दूर रहना, तो भाई कांटों वाली तारों से तो हम दूर रहेंगे, मगर उसकी खोज कब करी गई, उसकी खोज करने वाला कौन था? जोसेफ एफ गिडन नाम के व्यक्ति थे जिसने उसकी खोज करी। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से, जल्दी से जल्दी से, जितने भी विद्यार्थी मौजूद हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। सवाल का जवाब समझ आ गया, 1874, 1874। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कालटेक सीस्मोलॉजिस्ट हु इन्वेंटेड द स्केल यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक? दोबारा से पढ़िए सवाल। अब अर्थक्वेक तो हमें समझ आ गया होगा, हमें सीस्मोलॉजिस्ट भी समझ आ गया होगा, मगर बाकी हमें शायद जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में समझेंगे तो दिक्कत होगी, जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी में समझेंगे उनको दिक्कत होगी। तो दोनों ही भाषाओं में मैं सवाल को रिपीट कर देता हूँ। कैलटेक भूकंप विज्ञानी का नाम क्या है जिसने भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैमाने का आविष्कार किया था, जिसे हम रिएक्टर स्केल के जाने से रूप से जानते हैं ना, कि भाई रिएक्टर स्केल का जो डिस्कवरी है, जो इन्वेंशन है, जो इन्वेंट की गई है, उसका इन्वेंटर का नाम क्या है? सवाल यहाँ पे ये है, बहुत बेसिक सवाल है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए, बहुत बेसिक सवाल है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो मान लीजिए कि काम चल जाएगा एग्जाम में, थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो मान लीजिए एग्जाम में काम चल जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे तो भाई फिर ध्यान रखिए कि काम तल चलना तो दूर की बात है, इसके पीछे तो गाड़ी ही छूट जाएगी भाई। बहुत बेसिक सवाल है, मतलब आप सोच सकते हैं बहुत ही बेसिक सवाल है। ये डेवलप किया गया था 1935 में, 1935 में इसे डेवलप किया गया था, 1935 में, 1935 में। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, जस्ट इमेजिन कि ये रिएक्टर स्केल है, एक बार बस अंदाज़ा लगा लीजिए, सीधा बना देता हूँ भाई, कल को बोलोगे सर ने स्केल बनाया वो भी टेढ़ा था, तो मान लीजिए रिएक्टर स्केल है, ठीक है, और इस रिएक्टर स्केल पर नंबर डले हुए हैं, इस रिएक्टर स्केल पर नंबर डले हुए हैं। सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि इसकी लिमिट क्या है, कि भाई इसकी लिमिट क्या है, मतलब जीरो से मान लीजिए उसके बाद पॉइंट में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कहाँ तक इसकी हाईएस्ट लिमिट है, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है रिएक्टर स्केल की? सवाल का जवाब आप समझ ही गए होंगे, नाम में ही दे रखा है रिएक्टर, तो चार्ल्स रिएक्टर रहेगा सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा चार्ल्स रिएक्टर। एक सवाल यहाँ पर ये बन गया कि जो रिएक्टर स्केल है उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है। एक सवाल आपसे यहाँ 1935 अगर आ गया तो आपको याद करना पड़ेगा भारत शासन अधिनियम 1935, प्लीज इसको तो याद रखना ही, ठीक है। आज एक नया सवाल आपसे पूछता हूँ, जब भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में लाया गया तो भारत में वायसराय कौन थे या फिर गवर्नर जनरल कौन थे? मैंने इसका अर्थ आपको समझा दिया था कल की क्लास में कि वायसराय और गवर्नर जनरल का अर्थ क्या है, क्लियर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, जब भारत में लाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 तो भारत में वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? 0 to 9, बहुत बढ़िया, ठीक है। यामिनी जी आई एम गुड, उम्मीद करूंगा आप भी बहुत अच्छे होंगे। सवाल के जवाब की अगर बात करें कि रिएक्टर स्केल पे मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो आप जवाब दोगे नो लिमिट, ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया है। सवाल का जवाब क्या दोगे? सवाल का जवाब दोगे नो लिमिट, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं दर्शाई गई है, नो मैक्सिमम लिमिट कर लेना भाई, कहीं तो मिनिमम भी कर लो, नो नो मैक्सिमम लिमिट मेंशन, कोई भी लिमिट मैक्सिमम मेंशन नहीं की गई है रिएक्टर स्केल पे, ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, व्हाट जेम्स वॉट इन्वेंटेड, जो जेम्स वॉट थे उन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था? ऑप्शन है डाइविंग बेल का, स्टीम बोट का, हॉट एयर बैलून का, या फिर रोटरी स्टीम इंजन का। बहुत बेसिक सवाल है,
आप खुद समझ सकते हैं कि ये सवाल एमटीएस के लिए ही बने हैं, ये सवाल रेलवे ग्रुप डी के लिए ही बने हैं, वहीं पर पूछे जाएंगे ये वाले सवाल, बहुत बेसिक सवाल है। चलिए, जेम्स वॉट ने क्या आविष्कार किया था? मैं भला मानिए यहाँ पे भाई साहब होनी दिया बैटरी, मतलब व्यक्ति पता है बच्चा इतना समझदार है, कह रहा वॉट इक्वल्स टू वोल्ट, कह रहा वॉट इक्वल्स टू वोट वोल्ट और टिक हो जाएगा, वोल्टा की बैटरी लगा दूंगा मैं एग्जाम में, ऐसे टिक नहीं होते जी। चलिए, म्यांमार को भारत से अलग किया गया था 1935 अधिनियम के माध्यम से 1937 में, ध्यान रखना भाई। चलिए दीजिए सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब, बेसिक बेसिक सवाल आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही बेसिक सवाल है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो मान लीजिए कि हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन है ये, कि जेम्स वॉट ने किसका इन्वेंशन किया, किसने पेन का इन्वेंशन किया, किसने हॉट एयर बैलून का इन्वेंशन किया, फिर भी हम इन सवालों के जवाब सही नहीं दे पाते क्योंकि ये सारे सवाल ना कभी हमें किसी ने एक जगह पढ़ाए नहीं, दिक्कत ये है क्योंकि टीचर हमें ये बोलता है ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है, ये तो तुम खुद कर लेना, मगर ये सवाल हमें कभी किसी ने पढ़ाए नहीं, दिक्कत ये है। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है रोटरी स्टीम इंजन, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। जेम्स वॉट पढ़ना, वोल्टा मत पढ़ जाना पेपर में, कहीं वहाँ बैटरी दे दिया ऑप्शन में और तुम जेम्स वॉट को जेम्स वोल्टा पढ़ के, मतलब वोल्टा पढ़ के टिप कराए बैटरी। सवाल का जवाब है रोटरी स्टीम इंजन, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी, भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो कौन से ईयर में चलाई गई? ठीक, भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो कौन से ईयर में चलाई गई? एक तो ये सवाल नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, एक सवाल और नोट डाउन कर लीजिए, भारत में जो पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन थी वो कौन से ईयर में चलाई गई? दो सवाल आपके लिए मेरे, मैं पूछ रहा हूँ, भारत में जो पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन थी वो कौन से ईयर में चलाई गई? दो सवाल आपके लिए हैं, उम्मीद करूंगा ये दोनों ही सवाल आपको बहुत बेसिक लगे होंगे और नोट डाउन कर लेंगे आप, अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, एक प्रकार का सवाल नहीं है, बहुत बढ़िया अमित राज जी। चलिए दीपक कश्यप जी, हाँ सर मैं इसके नोट्स बना रहा हूँ पर याद नहीं मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, 1853 आप बता रहे हैं, 16 अप्रैल 1853 आपको ईयर मिल जाएगा, 16 अप्रैल 1853 आपको ईयर मिल जाएगा, बॉम्बे से थाने मिल जाएगी जगह, इस सवाल का जवाब तो कोई भी दे देगा, 1853 लॉर्ड डलहौजी मिल जाएंगे आपको बैठे हुए, भारत के सबसे बदनाम गवर्नर जनरल में से एक, दो बदनाम मिलेंगे, एक डलहौजी मिलेंगे, एक कर्जन मिलेंगे, लॉर्ड कर्जन। इस सवाल का जवाब दीजिए, इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन भारत में पहली कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, वेयर इज द विलेज ऑफ ब्रेनस्टोन, वेयर इज द विलेज ऑफ ब्रेनस्टोन आफ्टर विच द फेमस पिकल इज नेम्ड। ये क्वेश्चन आपने अपने जीवन काल में पहली बार सुना होगा मैं उम्मीद करूंगा। ब्रेनस्टोन गांव कहां पर है जिसके नाम पर प्रसिद्ध अचार का नाम पड़ा है? भाई साहब एक बहुत फेमस अचार है ब्रेनस्टोन, ब्रेनस्टोन पिकल, आप देखेंगे ना तो आपको शहद की शीशी जैसा वो लगेगा बाहर से देखने में, बहुत मतलब हमने तो नहीं खाया मगर हाँ मैंने पढ़ा है उसके बारे में, तो बहुत फेमस पिकल है। उस फेमस पिकल, जो पिकल का नाम है ना, वो एक विलेज पर रखा गया था क्योंकि वहाँ पर ये तैयार किया गया था, ब्रेनस्टोन करके ये तैयार किया गया था। तो ये सवाल है कि ये कहाँ पर मौजूद एक विलेज है, यॉर्कशायर में, लैंकशायर में, स्टैंसफोर्डशायर में, या फिर नॉरफॉल्क में। चलिए दीजिए सवाल का सही जवाब क्या रहेगा। गुड्डू राजपूत जी बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, अच्छा सवाल है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे 75 है, सारे करा दूंगा एक साथ ताकि पूरा कंटेंट, पूरे नोट्स एक साथ बन जाएं, बार बार हमें यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ सारा जहाँ घूमने की जरूरत ना पड़े। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। समय को रोकते हुए, समय को ना जाहिर करते हुए सवाल का जवाब है स्टैफोर्डशायर, या फिर स्टैफोर्डशायर रहेगा सवाल का सही जवाब। स्टैफोर्डशायर में इसका निर्माण किया गया था, द विलेज ऑफ ब्रेनस्टोन इज इन द स्टैफोर्डशायर। क्लियर, ऑप्शन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है, डिसेंट सा क्वेश्चन है, आप रख सकते हो अपनी पेटरी में, अपनी पोटरी में डालकर, वो जो अपनी पोटरी है ना सवालों की, उसमें डाल सकते हो, कहीं काम आ सकता है, चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु इन्वेंटेड जेट इंजन, ये सवाल SSC के प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, रेलवे का एग्जाम उठाकर देख लीजिए, पूछा गया सवाल है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? द सर फ्रैंक विटेल ने, गॉटेल्ब डेलमेयर ने, रॉगर बैकॉन ने, या फिर लुइस ई वॉटरमैन ने, वो कौन थे जिन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया है? एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, जो एयर इंडिया है उसके फाउंडर का नाम क्या है, जो एयर इंडिया है उसके संस्थापक का नाम क्या है, और एयर इंडिया को कब किया गया था नेशनलाइज? चलिए सवाल का जवाब दीजिए भाई, एयर इंडिया के फाउंडर का नाम क्या है और व्हेन वाज एयर इंडिया
चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया को कब मतलब एयर इंडिया का फाउंडर कौन था, हु इज द फाउंडर ऑफ एयर इंडिया, एंड वन मोर क्वेश्चन, एयर इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया, ये दो सवाल आपके सामने हैं। इसके अलावा सवाल है जेट इंजन की खोज किसके द्वारा की गई, बहुत बेसिक सवाल है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप इजीली सवाल का जवाब सही दे पाएंगे। चलिए, ईयर आपको मिलेगा 1992 के आसपास इसकी खोज करते हुए आपको नजर आएगी। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, द सर फ्रैंक विटल, सर फ्रैंक विटल के द्वारा खोज की गई थी किसकी, तो आप जवाब देंगे सर खोज की गई थी जेट इंजन की। इसके अलावा एयर इंडिया के संस्थापक कौन मिलेंगे, जेआरडी टाटा आपको मिल जाएंगे। एयर इंडिया को कब किया गया था फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, 1925, अमित राज गुप्ता जी बहुत बढ़िया, डीआरडी एमटीएस के लिए क्लास चलती है क्या, पीयूष यादव जी अगर आप इस एक क्लास को कर लेंगे ना सर तो आप एमटीएस में जाकर बैठिए, आप रेलवे में जाकर बैठिए, ग्रुप डी में जाकर बैठिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 में जाकर बैठिए, एमटीएस में बैठिए, सीजीएल में जाकर बैठिए, आप किसी भी वनडे एग्जाम में जाकर बैठ जाइए, इवन एमपीपीसीएस वाला एग्जाम हुआ है ना उसमें अपने पढ़ाए हुए सीधा 12 क्वेश्चन थे, अपने पढ़ाए हुए सीधा 12 क्वेश्चन थे, अगर बोलोगे तो कल लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। क्लियर, जो एमपीपीसीएस वाला एग्जाम हुआ अपने पढ़ाए हुए उसमें सीधा 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन जो बिल्कुल एक्यूरेट पूछ लिए गए, एक सिंगल लाइन तक चेंज नहीं हुई। क्लियर, एयर इंडिया को कब किया गया था नेशनलाइज, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। फाउंडर आपको जेआरडी टाटा मिल जाएंगे, ये मुद्दा दोबारा न्यूज में है क्योंकि रतन टाटा जी ने बिड करी है एयर इंडिया को खरीदने के लिए, इसे खरीदने के लिए बिड करी गई है, इसीलिए ये क्वेश्चन न्यूज में। और ईयर आपको मैं अगर ऑप्शन चाहिए कि इसे नेशनलाइज कब किया गया, तो पहला ऑप्शन दूंगा 1953, दूसरा ऑप्शन दूंगा 1960, तीसरा ऑप्शन दूंगा 2008 और चौथा ऑप्शन आपको दूंगा 1971। कब किया गया था नेशनलाइज एयर इंडिया को, इस सवाल को लिख लीजिए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। इसके अलावा भारत के जो उड़ायन मंत्रालय संभाल रहे हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इन्वेंशन कॉज्ड मैनी डेथ व्हाइल टेस्टिंग इट, वो बोल रहा है किस आविष्कार के कारण उसका परीक्षण करते समय कई लोगों की मृत्यु हुई थी, डायनामाइट की, लैडर्स की, रेस कार्स की या फिर पैराशूट की। चलिए भाई जवाब दीजिए, 1965 1971 बता रहे हैं, एक बार 53 की तरफ भी जाइए भाई, 53 की तरफ भी आप जाएंगे तो अच्छा खासा आपको सवाल मिल जाएगा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, चलिए अगर ये सवाल आपकी स्क्रीन पर मान लीजिए 1953 में हुआ था, बहुत बढ़िया, 1953 था सवाल का सही जवाब, ये न्यूज़ में है मुद्दा, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। जैसे बात करें सार्क एक न्यूज़ में है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है सार्क, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसमें 8 कंट्रीज मौजूद हैं। किस कंट्री ने कब ज्वाइन किया, याद करने की ट्रिक क्या है, MBBS स्पेन, ये ट्रिक आपने मेरे ख्याल से हज़ारों बार पढ़ ली होगी, MBBS स्पेन, ये हो जाएगा मालदीव्स, ये हो जाएगा अपना भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये हो जाएगा अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल, तो ये सभी कंट्रीज आपको उसमें नजर आ जाएंगी। स्थापना कब की गई थी, 1985 में, 1985 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ मिल जाएगा, हेडक्वार्टर मिल जाएगा इसका काठमांडू में। इसके अलावा इसका जो अफगानिस्तान मेंबर है कब बना था, सन 2007 में, 2007 में। इसके अलावा सार्क से संबंधित और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, मगर ये बेसिक सवाल है, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा है। अगर ये सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे, मेरे ख्याल से मैक्सिमम विद्यार्थी जाएंगे डायनामाइट की तरफ, जिसकी खोज की गई थी अल्फ्रेड नोबल के द्वारा, जिसके लिए अल्फ्रेड नोबल को नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, मगर बिल्कुल गलत होगा वो सवाल का जवाब। सवाल का सही जवाब क्या होगा, पैराशूट। सवाल का सही जवाब क्या होगा, सवाल का सही जवाब होगा पैराशूट। पैराशूट की जब पहली बार टेस्टिंग की गई थी ना, तो वो हॉट एयर बैलून के द्वारा की गई थी, मतलब हॉट एयर बैलून पे, बंदा हॉट एयर बैलून पे है ऊपर, समझ सकते हो ना, वो हॉट एयर बैलून। चलिए एक सवाल और बन गया, हॉट एयर बैलून सफारी, हॉट एयर बैलून सफारी शुरू करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क, हॉट एयर बैलून सफारी शुरू करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में मिलेगा। जल्दी से जवाब दीजिए, वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसने हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत की है, तो 1767 का ईयर मिल जाएगा, हॉट एयर बैलून सफारी के माध्यम से टेस्ट करवाया गया पैराशूट को, ठीक है। और पैराशूट की टेस्टिंग के समय सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, मृत्यु हुई है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल और बनेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, पैराशूट के इन्वेंटर का नाम क्या है, इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए, ठीक। पैराशूट के इन्वेंटर का नाम क्या है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे चांसेस बनेंगे इस सवाल को डायरेक्ट पूछ लिया जाए। क्लियर, चलिए जवाब दीजिए भाई, कौन मिलेंगे पैराशूट के इन्वेंटर और किस कंट्री के मिलेंगे, दो सवाल आपके लिए छोड़ दिए मैंने। रणथंभौर कौन बोल गया, कान्हा मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया, 1795 में होता था, 1760
1797 मिलेगा आपको, 1767 नहीं, 1797 में टेस्टिंग हुई थी। अरे यार 1797 में टेस्टिंग हुई थी, 1795 नहीं, वो आपका 95 देखकर मुझे याद आया कि मैंने 67 बोल दिया है। 1797 में टेस्टिंग हुई थी, फ्रांस के व्यक्ति थे, वो मिलेंगे आपको टेस्टिंग करते हुए, जैकस गिडन करके, या फिर जैकस गैरमीन करके व्यक्ति मिलेंगे, जैकस करके व्यक्ति आपको मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, हु इन्वेंटेड गन पाउडर? अगर आप SSC के पुराने विद्यार्थी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, तो ये सवाल आपने ज़रूर देखा होगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि गन पाउडर का, बारूद का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन है जी फैट डी एंड, वॉन जैपलिन, सर फ्रैंक विटल। सर फ्रैंक विटल वाला सवाल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सर फ्रैंक विटल को तो काट देना। उसके अलावा रॉजर बैकॉन या फिर लियो एच बैकलैंड। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 15 सेकेंड। सर आज सार की मीटिंग होनी थी, वो कैंसिल हो गई। आप उस रीज़न आपने पढ़ा होगा कि उसका रीज़न ये दिया गया है, नेपाल काठमांडू के द्वारा जो लॉ बताया गया है, एक पब्लिश किया गया है एक डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि ऑल ऑफ द कंट्रीज आर नॉट एबल टू ज्वाइन, मतलब वो सभी कंट्री उसमें राजी नहीं हुई हैं मीटिंग करवाने के लिए। इसी वजह से जो सार्क का समिट होना था, कौन सा वाला, फॉरेन मिनिस्टर्स वाला समिट होना था, उस समिट को कैंसिल कर दिया गया है। कहाँ पर होना था? अमेरिका में होना था, और अमेरिका में भी ऐसे नहीं कि पहले से प्री प्लान था, प्री प्लान नहीं था, बस ये था कि भाई अमेरिका में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA की मीटिंग चल रही है, 193 कंट्रीज उसमें मौजूद हैं, और इसके अलावा जितनी सार्क कंट्रीज हैं वो भी वहाँ पर सारी मौजूद थी, तो क्यों ना फॉरेन मिनिस्टर्स को बिठाकर मीटिंग करवा ली जाए, ऐसा कुछ प्लान था। मगर ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई ड्यू टू तालिबान इशू, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला कि भाई हम तो चाहेंगे कि तालिबान भी आए, मगर भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया और इस वजह से मीटिंग को कर दिया गया कैंसिल। उम्मीद करूंगा ये सारे पॉइंट और फैक्ट आपने पहले ही पढ़ लिए होंगे। ठीक, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। गन पाउंडर का इन्वेंशन किसने किया? हु इन्वेंटेड द गन पाउंडर? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत बेसिक सवाल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आराम से ठीक हो जाएगा। सवाल का जवाब है रॉजर बैकॉन, और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए और हमें नहीं पढ़ रखा तो हमारा मेन टारगेट रहेगा या तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दोनों नाम थोड़े से बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, इसीलिए विद्यार्थी या तो ए की तरफ जाएगा या डी की तरफ जाएगा। ठीक है, या तो ए की तरफ जाएगा या फिर डी की तरफ जाएगा, मगर सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है रॉजर बैकॉन, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। अंटिल विक्टोरियन टाइम्स चॉकलेट वॉज थॉट ऑफ एज अ ड्रिंक, व्हेन डिड द चॉकलेट बार फर्स्ट अपीयर? वो बोल रहा है विक्टोरियन समय तक चॉकलेट को एक पेय के रूप में देखा जाता था, मतलब ड्रिंकिंग के रूप में देखा जाता था चॉकलेट को, और पहली बार चॉकलेट का जो बार बनाया, मतलब जो हम चॉकलेट खाते हैं ना, वो चॉकलेट का बार जो बनाया वो कौन से ईयर में बनाया, कौन से वर्ष में बनाया? एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, दुनिया का वो कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा कोको स्वीट्स की पैदावार करता है, मतलब चॉकलेट वाले जो सीड्स होंगे ना उनकी पैदावार करने वाला कौन सा देश है? जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट करके। चॉकलेट सीड्स, कोको सीड्स की सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाला दुनिया का कौन सा देश है? सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अमित राज गुप्ता जी, मैं 100% श्योर हूँ 1797 आपको मिलेगा ईयर। क्लियर? चलिए सर, पूरे दिन कोई मतलब टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं सर, पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाकर ये सवाल आपके सामने आते हैं, ऐसे नहीं है कि बैठे हुए हैं फ्री में लगे पड़े हैं। सर पूरे दिन हम भी मेहनत करते हैं, ये किताबें विताबें यहीं रख रखी हैं। आज वैसे थोड़ा सा देर कर रहा था बेयर एक्ट पढ़ने का, तो बेयर एक्ट में थोड़ा सा हाथ अजमा रहा था। वैसे तो पढ़ रखी है ऑलरेडी मैंने पूरी की पूरी है, मगर लास्ट के जो केसेस वेसेस वाले हैं ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्रिमिनल लॉज हैं, वो पढ़ने का दिल कर रहा था, तो वही पढ़ रहा था। आज सुबह से बैठ के इसी काम में लगा पड़ा था। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसने इन्वेंट किया? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, बहुत बेसिक सवाल है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो आप इजीली जवाब दे पाएंगे। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? देयर इज नो श्योर डेट। ऐसी कोई भी मतलब डेट मिल ही नहीं पाई है जिस दिन हम ये बता पाएं कि भाई साहब उस दिन चॉकलेट की बार बना दी गई, मतलब जो चॉकलेट ड्रिंक थी ना उसको बार बना के इस्तेमाल करने लग गए, तो ऐसी कोई भी डेट नहीं मिल रही है। मगर आप कैडबरी के बारे में जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स को शायद मैन्युफैक्चर करती है। क्लियर? तो सवाल का जवाब याद रखना, देयर इज नो फिक्स डेट, ऐसी कोई डेट नहीं है।
क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी रहेगा सवाल का सही जवाब, 1828, 1831, 1825 और देयर इज नो श्योर डेट, कोई भी तय या फिर कोई भी निश्चित तारीख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नाउ यूबिकिटस डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय अ जेनिथ इंजीनियर यूगेन पॉली इन 1955 में जेनिथ इंजीनियर यूजीन पॉलो द्वारा किस सर्वव्यापीय उपकरण का आविष्कार किया गया था? इसका सिनोनियम देख लेना जरूर, क्लियर? इसका मतलब क्या रहेगा? इसका मतलब रहेगा बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? इसका सिनोनियम जरूर देख लेना, सीजीएल की भी तैयारी हो रही है भाई, एमटीएस वाला भी जाएगा सीजीएल देने के लिए, ठीक है? और वो जो तुमने गाना सुना है ना, वो या तुमने कहानियां सुनी होंगी कि जो गली मोहल्ले की मोहब्बत होती है वो कोई इंजीनियर या फिर सीजीएल, तो भाई तुम्हारा टारगेट मेन सीजीएल है। जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है उसका अल्टीमेट टारगेट तो सीजीएल ही है, तो एमटीएस दीजिए, नौकरी लीजिए, उसके बाद सीजीएल को फोकस कीजिए। तो सीजीएल के लिए एक बहुत ज़बरदस्त शब्द है, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, इसके सिनोनियम और एंटोनियम दोनों देख लेना। मतलब क्या है इसका? बहुत व्यापक मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है उस चीज़ का। जवाब दीजिए, क्या है वो चीज़ जिसका व्यापक मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है? अरे साहब, किस बुक पे भरोसा कर रहे हो? अरे हम भी तो बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे अगर आप नॉर्मली लोगे ना, तो सर अगर आप बॉल पॉइंट पेन को सर्च करोगे ना कि बॉल पॉइंट पेन का इन्वेंटर कौन है, तो 1888 में दिखाएगा एक बंदा, एल जूलिस करके एक व्यक्ति दिखाएगा। मगर सर सवाल का जवाब मैंने आपको बताया, तो आप भाई किताबों की वो और आप किताब भी ऐसी लेकर बैठे हो सर, फिर आप बोलोगे सर बिहार के लोग पीसीएस मार देते हैं उससे, तो सर बिहार के लोग पीसीएस ज़रूर मार देते हैं उससे, मगर वो अंडरलाइन करके मारते हैं कि यारा पॉइंट यहाँ गलत लिख रखा है। क्लियर? चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। माइक्रोवेव ओवन, अगर मैं भी आपकी जगह होता ना और मैं भी विद्यार्थी होता तो मैं ऐसे ध्यान देता, कह रहा अपने घर में क्या है, कह रहा रिमोट कंट्रोल अपने पास है, वीसीआर बंद हो गया, कैलकुलेटर हम लाते नहीं है, और कैलकुलेटर वाला कह रहा पढ़ रखा है, वो कैलकुलेटर वाला तो पढ़ रखा है, कई बार किताबें पढ़ा है, कह रहा ओवन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, मगर सर ओवन सवाल का जवाब नहीं है। सवाल का सही जवाब क्या है? रिमोट कंट्रोल। यार ये रहा रिमोट कंट्रोल, हाथ में एक रिमोट ये रहा, तुम खुद देख सकते हो, तीन तीन रिमोट तो तुम्हें तुम्हारे सामने नजर आ रहे हैं। तो रिमोट कंट्रोल दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अगर आप ढंग से देखो तो, ठीक है ना? और इसे हम और किस नाम से जानेंगे? फ्लैशमैटिक के नाम से भी इसे जाना जाएगा, ध्यान रखना, वायरलेस रिमोट कंट्रोल की बात हो रही है। सवाल का जवाब क्या है? रिमोट कंट्रोल। अब मान लीजिए एग्जाम में सवाल यही आ गया, डेली रूटीन की चीज़ है, डेली इस्तेमाल कर रहे हो, हाथ में रिमोट तुम्हारे है, अब एग्जाम में सवाल यही आ गया कि रिमोट कंट्रोल या फिर फ्लैश ट्रिक को इन्वेंट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो यूगेन पॉली उनका नाम था। कब इन्वेंट किया गया? 1955 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे चांसेस हैं, पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। व्हाट बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से देखो, डेली जो लाइफ की चीजें है ना, वही ज़्यादातर आपको एग्जाम में नजर आएंगी, डेली लाइफ डेली रूटीन की चीज़ें ही मैक्सिमम अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना सर, तो रूटीन लाइफ से पूछे जाएंगे। एक बात बताइए, आपसे वो यही तो पूछेगा कि हॉट एयर बैलून आपने देखा है, उसकी जो खोज है वो किसके द्वारा करी गई, पैराशूट आप डेली देखते हैं उसकी खोज किसके द्वारा दी गई, या वो आपसे ये पूछेगा कि 1913 में समुद्र के गहराइयों में छुपे हुए कई हजारों साल पुरानी एक डिवाइस की खोज की गई। सही बात है, फैक्चुअल बात है, एक डिवाइस की खोज की गई जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसे आज तक ओपन भी करने में असंभव रहे हैं। वैसे अगर उसे ओपन किया जाएगा तो वो टूट जाएगा, इसीलिए मेरे ख्याल से पता नहीं किस देश में, नॉर्वे या फिनलैंड में उसकी खोज की गई थी, उसके बाद उसे यूके लेकर आया गया, उसको एक्सरे करके देखा गया, जब एक्सरे करके देखा गया तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है कि अब तक के इतिहास में उसे दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के रूप में जाना गया। अब ये थोड़ी बोलेंगे कि बताओ कि उसकी खोज किसने की थी, अरे जो तुम जानते हो वही तो पूछेंगे तुमसे, क्लियर? तो डेली रूटीन लाइफ पर खेलो। हाइग्रोमीटर कौन बोल रहा है भाई? ये क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सर सवाल का सही जवाब रहेगा बायोफोकल स्पेक्टिकल्स। अरे बेंजामिन
थोड़ा सा याद रखिए, बेंजामिन बेंजामिन ऐसे बस बायोफोकल फोकल स्पेक्टिकल्स पे खेलिए, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे पर खेलिए। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बायोफोकल स्पेक्टिकल्स की वो बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, ए है, डी मत लगा देना हाइग्रोमीटर वालों। बायोफोकल स्पेक्टिकल्स की खोज करी थी फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कौन से ईयर में करी थी? 1760 में, 1760 में। कौन से ईयर में की थी? 1760 में की थी, 1760 में इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, डी नहीं है, और बैरोमीटर तो लगा मत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, दिस पार्ट टाइम कार रेसर इन्वेंटेड द बकेट सीट इन 1969, हु वॉज शी? सर अगर आपने देखा होगा ना, तो आजकल जो सीट बनती है ना, उन सीट में ऐसे गहराई सी होती है, अगर आपने ढंग से देखा हो ना। यार मेरी ड्राइंग तो थोड़ी सी खराब ही रही है, और जबकि बताइए मेरे पास ईडी थी, इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ करती थी मेरे पास, तब मेरी जो ड्राइंग है खराब रही है, मतलब अच्छी खासी खराब रही है। तो वो जो सीट्स आजकल बनती हैं, जो मतलब सीट्स आजकल ऐसे करके प्रकार से बनती है ना, और उसमें बैक होती है, मतलब पीछे पूरा लगाने के लिए बकेट जैसी बैक होती है, तो उस सीट का इन्वेंशन किया गया था एक कार रेसर के द्वारा जो पार्ट टाइम कार रेसिंग करते थे। सवाल यहाँ पर यह है, हु इज ही, वो कौन था जिसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? ऑप्शन है स्टीव मैकक्विन, हैरिसन फ्रेजियर, पॉल न्यूमैन या फिर जॉन वेन। उम्मीद करूंगा आपने सवाल पहली बार सुना होगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, क्लास को शेयर भी कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से। 75 के आसपास क्वेश्चन है, मेरा टारगेट है पूरे करा दूँ आज ये। 75 के आसपास क्वेश्चन है, मेरा टारगेट है पूरे करा दूँ सवाल ये आज। ईयर आपने देख ही लिया है, कब खोज करिए 1969 में, चीज़ मैंने आपको बता दी है कि वो चीज़ क्या है। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है स्टीव मैकक्विन। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है स्टीव मैकक्विन, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, व्हाट प्ले थिंग वॉज इन्वेंटेड बाय जो मैकविकर इन 1956? वो बोल रहा है 1956 में जो मैकविकर ने किस प्ले थिंग का आविष्कार किया था? सिलीपुटी का, ईच आ स्केच का, लाइट ब्राइट का या फिर प्ले डॉ का? चलिए भाई जवाब दीजिए। ये जो जो मैकविकर है, उनके द्वारा 1956 में किस चीज़ का इस्तेमाल या फिर किस चीज़ की इन्वेंशन की गई थी? सिलीपुटी का, एच ए स्केच का, लाइट ब्राइट का या फिर प्ले डॉ का? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिए। पॉल नॉमैन, पता है कैसे जवाब दे रहे हैं? कह रहे पॉल नॉमैन गाड़ी चलाने वाले ही लग रहे हैं। कह रहे तो यही होगा, ऐसे मत जाना, इन्वेंटर वाले सवाल तभी खतरनाक होते हैं ज़्यादा, क्योंकि इन्वेंटर वाले सवाल विद्यार्थी को एक तो मिलते नहीं है कि पढ़ने कहाँ से है। उसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन यही रहती है कि उसे क्वेश्चन मिलते नहीं है कि ये पढ़ने कहाँ से है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए भाई फटाफट से। चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, अच्छा सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? खेलने वाली आइटम्स की बात कर रहा है भाई वो, कि वो खेलने वाली कौन सी आइटम्स मिलेंगी जिसका आविष्कार किया गया था इनके द्वारा। वो प्लास्टिक, प्लास्टिक जैसे खिलौने विलौने आपको दिख जाएंगे, इस प्रकार से आपको मिलेंगी वो चीज़ें। क्या है सवाल का सही जवाब? आप डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है प्ले डो, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। प्ले डो है सवाल का सही जवाब, जो मैकविकर के द्वारा 1956 में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन फीमेल टू पेटेंट हर इन्वेंशन, अ मेथड ऑफ वीविंग स्ट्रॉ विथ सिल्क, रेशम के साथ पुआल बुनाई की एक विधि, अपने आविष्कार का पेटेंट करवाने वाली पहली अमेरिकी महिला कौन थी? मतलब वो बोल रहा है कि वीविंग मतलब सिलाई करने की वो बात कर रहा है, स्ट्रॉ विथ सिल्क रेशम के साथ पुआल बुनाई की एक विधि, अपने आविष्कार की पेटेंट, पेटेंट मतलब उन्होंने अपने नाम से उसे दर्ज करवा लिया, तो पहला ऐसे करने वाली अमेरिकी महिला कौन थी? सवाल का जवाब दीजिए, मॉर्जेरियो जॉनियर, मार्गरेट नाइट, अमांडा जॉनेस या फिर मैरी कीज? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये मैरी कीज वाला ऑप्शन आपने ज़रूर सुना होगा अपने जीवन काल में। चलिए अगर आप अच्छे खासे समय से तैयारी कर रहे हैं तो ये मैरी कीज वाला सवाल आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत बढ़िया। ये मैरी कीज वाला सवाल आपने ज़रूर सुना होगा अगर आप थोड़े से भी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बेसिक सवाल हो जाएगा, क्योंकि ये हमने सुना सुना सा है, ऐसा है कि ये ऑप्शन सुना सुना सा है और बहुत बार इन ऑप्शंस को हमने कहीं ना कहीं देखा है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑलमोस्ट मैं जवाब दे भी चुका हूँ, नाम मैंने बता भी दिया, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो नाम मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, अगर आप सही से जवाब देंगे तो। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है मैरी कीज,
ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब, मैरी कीज है इस सवाल का सही जवाब। बस केवल आपको इन चीज़ों को याद करना है, इसमें कोई आपको खोज नहीं करनी है जाके कि मैरी कीज ने किसकी खोज करी, वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा किसने खोज करी पैराशूट की, किसने खोज करी हॉट एयर बैलून की, किसने फाउंटेन पेन की खोज करी, किसने बॉल पॉइंट पेन की खोज करी, किसने जेट इंजन की खोज करी, किसने स्टीम इंजन की खोज करी, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछेगा। रेडियम की खोज किसने करी, तो आपको सीधा जवाब देने पड़ेंगे सीधे तरीके से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, हु इन्वेंटेड ग्रामोफोन, ये जो ग्रामोफोन है ग्रामोफोन की आविष्कार किसने किया था, माइकल फेराडे ने, फेरानाइट ने, सर अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने, या फिर थॉमस एल्वा एडिसन ने। 18वें नंबर का सवाल है, ये सवाल हजारों बार पूछा गया एग्जाम में, किसने खोज करी थी। बड़े बड़े अजीब नेम है सर, पूरी जिंदगी की नौकरी अगर चाहिए ना तो याद करने पड़ेंगे। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ग्रामोफोन की खोज किसके द्वारा करी गई, उम्मीद करूंगा ग्रामोफोन आपने देख रखा होगा। तो ये ग्रामोफोन की, रेडियम वाला बता चुका हूँ मैं, मैरी क्यूरी वाला सवाल था, ठीक यामिनी जी मैं ये वाला सवाल पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, फटाफट से जवाब दीजिए। ग्रामोफोन की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप जवाब देंगे सर ग्रामोफोन की खोज करी गई थॉमस एडिसन सिल्वा के द्वारा, थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, इनके द्वारा खोज करी गई थी ग्रामोफोन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सीधा सवाल में पूछा जा सकता है एग्जाम में। ग्रामोफोन इज ऑल्सो नोन एज अ फोनोग्राफ, ग्रामोफोन को और किस नाम से जाना जाएगा, तो ग्रामोफोन को जाना जाएगा फोनोग्राफ के नाम से। मान लीजिए एग्जाम में यही सवाल पूछ लिया जाए कि फोनोग्राफ की खोज किसके द्वारा की गई, तब भी आप सवाल का जवाब देंगे कि थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा खोज करी गई थी किसकी, ग्रामोफोन की या फिर फोनोग्राफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट फर्नीचर आइटम वॉज इन्वेंटेड बाय कैलिफोर्निया फर्नीचर डिजाइनर चार्ल्स पेरियर हॉल इन 1968। कैलिफोर्निया के फर्नीचर डिजाइनर चार्ल्स पेरियर हॉल ने 1968 में किस फर्नीचर वस्तु का आविष्कार किया था, सोफा बेड का, कैप्टन्स चेयर का, वाटर बेड का, या फिर हैमॉक का, हैमॉक मतलब झूला। चलिए भाई 19वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। मैंने बता दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने पढ़ दिया, बस सवाल आपका जवाब आपको देना है, किस चीज की खोज करी। सर ये वाली क्लास आपको डेली मिल जाएगी इसी टाइम पर, ठीक, तो इस क्लास को लेने के लिए आप डेली आ सकते हैं, इस टाइम पर आपको डेली ये क्लास मिल जाएगी, वाईफाई 2.0 वाली क्लास आपको डेली मिल जाएगी ऑलमोस्ट। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, कल आप सभी के सामने मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस करवाए थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही बेसिक बना दिया था उन क्वेश्चंस को, 50 सवालों को, मगर देखिए जहाँ समझाने की ज़रूरत है वहाँ मैं समझाऊंगा। इसमें अब आपको क्या समझाऊं, वाटर बेड पे लेट के दिखाऊं कि ये देखिए कितना मज़ा आ रहा है वाटर बेड पे लेट के, तो ऐसा कुछ समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहां से अंडरलाइन करना है कि कैलिफोर्निया डिज़ाइनर जिनका नाम है चार्ल्स प्रियर हॉल के द्वारा किसकी खोज की गई थी 1968 में, आप जवाब दोगे वाटर बेड की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब, वाटर बेड की खोज की गई थी इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय द प्रेजिडेंट रूजवेल्ट इन 1942 टू एनश्योर दैट US बीट द जर्मन्स इन डेवलपिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब, होम डिड रूजवेल्ट अपॉइंटेड एज अ साइंटिस्ट हेड ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ध्यान से पढ़िए, सवाल इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छे खासे एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल ऐसा है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1942 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिका ने परमाणु बम विकसित करने में जर्मनी को हराया। रूजवेल्ट ने मैनहट्टन परियोजना के वैज्ञानिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया था। एक सवाल ये हो गया आपकी स्क्रीन पर, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एटम बॉम्ब की खोज किसके द्वारा की गई, क्लियर। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एटम बॉम्ब की खोज, परमाणु बम का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया, ये सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है और ये सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है। रॉबर्ट ऑफिनियर, जेम्स बी कॉनेट, लीजी आर ग्रूव्स, या फिर वैनेवर बुश, किसके द्वारा। 20वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। सर PDF कहाँ मिलेगी, PDF आपको साइंस 7 टेलीग्राम चैनल, इसके अलावा आपको वाईफाई 2.0 टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी। आज ही मैंने 3 PDF शेयर करी हैं, ठीक है, लगभग उसमें क्वेश्चन होंगे 250 के आसपास, 3 PDF शेयर करी हैं, तीनों PDFs को देख लेना। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब दीजिए। पहला एटॉमिक बॉम्ब जो
टेस्ट करके देखा गया था, फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वॉस एक्सप्लोड, मतलब जो फटा था टेस्ट करके देखा गया था, या फिर आप कुछ भी बोलो एक्सप्लोड हुआ, वो हुआ था कहाँ पर? न्यू मैक्सिको डेजर्ट में, तारीख थी 16 जुलाई 1945 को। क्लियर? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ऑफिनियर। रॉबर्ट ऑफिनियर रहेगा सवाल का सही जवाब, 16 जुलाई 1945 को कहाँ पर? तो आप जवाब दोगे सर, जगह थी न्यू मैक्सिको, वहां पर एक्सप्लोड हुआ था पहला एटम बॉम्ब। तारीख क्या थी? 16 जुलाई 1945। वैसे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर फिर भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। बस इतना बता दीजिए कि एटम बम की खोज किसने करी, चाहे एग्जाम CHSL का हो चाहे CGL का हो, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? इस सवाल का जवाब ए है, इसका नाम दे दीजिए। आनंद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी क्लास में सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें नंबर का सवाल है, व्हेन वॉज द फर्स्ट लॉन मोवियर इन्वेंटेड, प्रथम लॉन घास काटने वाला। भाई साहब वो घास काटने वाला होता है ना, अब आपसे वो क्या पूछेगा? मतलब वैसे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ यार, तुम्हारी MTS की जॉब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें घास काटनी है, मगर तुम सुपरवाइजरी करोगे घास काटने वाले की। अब तुम्हारे अंडर मान लो 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई, प्लेसमेंट मतलब नौकरी लग गई। क्लियर? अब तुम्हारे अंदर 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कभी राष्ट्रपति का दिल किया कि भाई टूर पर निकल जाए? अब रामनाथ कोविंद जी तुम्हारे पास घूमते घूमते यार बोल रहे हैं, बेटा मतलब ये आपसे बोल रहे हैं कि बताइए जी, जरा आपसे एक सवाल है कि ये जो घास काट रहे हैं ना आप, जिनसे घास कटवा रहे हो 20 लोगों से, अब तुम हुकुम जमा के घाट कटवा रहे थे इसलिए उन्होंने पूछा, इसकी खोज किसने करी? अब तुम क्या बोलोगे? कह रहे घर के पीछे ही खोज हुई थी सर, हमने दो पहिए जोड़े और घास काट डाली। तो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए, प्रथम लॉन घास काटने की मशीन का आविष्कार कब किया गया? 1830 में, 54 में, 35 में, या फिर 1849 में? अच्छे क्वेश्चन सही है। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ईयर पूछ रहा है वो, ईयर कौन सा था भाई? अगर आपसे पूछ रहा है भाई किसने करी खोज, तो आप जवाब दोगे सर, एडविन बुडिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। एडविन एडविन बडिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगर नाम पूछ जाए कि किसके द्वारा खोज की गई, तो आप जवाब देंगे सर एडविन बडिंग के द्वारा। मुकेश अरब जी आप बिल्कुल नजर आ रहे हैं सर, मेरे सामने बैठे हैं आप, बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, चलिए जी जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 1930, 1940, 1930, 1950, सभी प्रकार के जवाब लगा दीजिए भाई। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए 1830, 1854, 1835 या फिर 1849। अगर आप सही सवाल का जवाब देंगे ना, तो इस सवाल का सही जवाब होगा 1830, मगर विद्यार्थी समझदार इतना है वो जाएगा खोज करने, वो और जाके ढूंढेगा। जब पहली बार आपको ये इन्वेंट करते हुए नजर आएगा ना, तो उसमें मोटर नहीं लगी हुई थी। जब पहली बार आपको ये इन्वेंट करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने इसकी खोज करी, एडविन बडिन ने, तो इसमें मोटर नहीं लगी हुई थी, मगर जब 1919 में इसे दोबारा टेस्ट, मतलब जब और आगे जाके चीज़ें बेहतर होती है ना, तो 1919 में इसमें मोटर लगाई गई थी। मगर एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि पहली बार कब यूज़ हुई, 1830 में, खोज करने वाले का नाम क्या है, एडविन बडिंग मिल जाएंगे खोज करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, इन विच डेकेड वर द फर्स्ट सक्सेसफुली डायोड एंड ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब्स इन्वेंटेड, प्रथम सफल डायोड और ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस दशक में किया गया था? चलिए साइंस संबंधित सवाल भी हो गया, जीके संबंधित सवाल भी हो गया, खोज से संबंधित सवाल भी हो गया, और घास काटने वाला सवाल भी हो गया। सर इसकी PDF आंसर के साथ दे देना प्लीज। ठीक है जी, बिल्कुल आंसर दे तो रहा हूँ स्क्रीन पर, आंसर यहाँ से ले लीजिए, PDF वहां से ले लेना, बराबर हो जाएगा। ऐसे क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है 1800 में, 1880 में, 1890 में, या फिर 1900 में। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये वही सवाल हैं जो एग्ज़ाम में आपको दूसरों से आगे निकाल देंगे ऑटोमेटिकली, ये वही सवाल हैं जी। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगर नाम पूछ जाए भाई किसने खोज करी थी, तो आप जवाब देंगे जॉन एम्ब्रोस, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल पढ़े हैं ना, वो वाले फ्लेमिंग मत लगा देना पेपर में कहीं, ये वही वाले फ्लेमिंग है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, बहुत बढ़िया सही जवाब दिया है लगभग ज़्यादातर विद्यार्थियों ने, सवाल का सही जवाब रहेगा 90s, मतलब 1900 के आसपास खोज करी गई थी, इसलिए हम इस सवाल का जवाब क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी। किसने खोज करी थी, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। ऑप्शन ईयर में अगर दे रखा 1906 तो 1906 लगा देना, 1900 यहाँ पे लिख रखा है तो वही आपको ठीक ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, हु इज द इंग्लिश फिजिसिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिग बैंग थ्योरी,
बिग बैंग थ्योरी के लिए जिम्मेदार अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल स्कूबे, जॉर्ज गैम ओव या फिर रॉजर पेनरोज? चलिए भाई, हु इज द इंग्लिश फिजिसिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी के बारे में सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिए भाई। सभी का राइट है जी, बिल्कुल सभी सही जवाब दे रहे हैं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इनके द्वारा एक पब्लिश की गई थी बुक, बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था 30 ईयर्स दैट शॉक द फिजिक्स। एक बुक पब्लिश की गई थी 30 ईयर्स दैट शॉक द फिजिक्स। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ध्यान से पढ़ना भाई, वो इसको ध्यान से पढ़ लेना ढंग से कि वो बोल रहा है हु इज इंग्लिश फिजिसिस्ट। ठीक है, वो साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा, तो एल्बर्ट आइंस्टीन लगा के आगे मत बढ़ जाना प्लीज। ध्यान से जो भी जवाब दीजिएगा इतना ईमानदारी से दीजिएगा, इतना ध्यान लगा के दीजिएगा कि एग्जामिनर उसमें आपके नंबर ना काट पाए। मैं तो नंबर काट लूंगा, मेरे तो वापस मिल जाएंगे, मगर तुम अगर यहाँ पे अपने नंबर कटवा लोगे तो भाई तुम्हें तुम्हारे नंबर वापस नहीं मिलेंगे। चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, अच्छा सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवालों की कलेक्शन आपके सामने बाकी है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। सवाल का जवाब है जॉर्ज गैमोव। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिग बैंग थ्योरी इनके द्वारा दी गई। हु इज़ द इंग्लिश फिजिसिस्ट, वो बोल रहे हैं कौन था वो इंग्लिश का भौतिक अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी कौन था जिसके द्वारा जो जिम्मेदार है बिग बैंग थ्योरी के लिए? तो मैंने आपको बता दिया इनके द्वारा एक बुक पब्लिश की गई 30 ईयर्स ऑफ दैट शॉक द फिजिक्स। और इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। कौन सा ईयर मिलेगा? 1968 के आसपास मिलेंगे ये मरते हुए, क्लियर। 1968 के आसपास इनका देहांत हो गया था। सवाल का सही जवाब क्या है? जॉर्ज गैमोव रहेगा सवाल का सही जवाब। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी भाई ये कहती है कि ऐसे कैसे समझाऊं, हाँ जैसे मान लीजिए ये है ना भाई, ये आपको नजर आ रही है, ये गेंद एक नजर आ रही होगी, बॉल एक नजर आ रही होगी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जितना भी ब्रह्मांड में सारा फैला हुआ मैटर है ना, वो एक ऐसे कॉम्पैक्ट था, एक बिंदु में था, एक कॉम्पैक्ट था, इससे भी छोटी आप मान सकते हैं, और सारा का सारा डाटा मैटर सब कुछ उसमें कलेक्ट था और उसमें होगा ब्लास्ट, और ब्लास्ट होने के बाद वो फैल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है। हम मतलब एक थ्योरी ये कहती है कि मान लीजिए अगर आप आज किसी 1,00,000 लाइट ईयर या फिर 1,00,00,000 लाइट ईयर दूर तारे की खोज करने के लिए निकलेंगे ना, तो जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे वो तारा आपको वहाँ नज़र ही नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि आप आज किसी तारे की खोज पर निकलें और वो आपसे 1,00,00,000 लाइट ईयर की दूरी पर है, मान लीजिए आपने इतनी भी मतलब डेवलपमेंट कर लिया कि आप लाइट की गति से चलने लग गए हैं, लाइट की गति से चलने वाला डिवाइस आपने इन्वेंट कर लिया है, मान लीजिए 3×10^8 की गति से आप चल रहे हैं, उसके बाद भी लाइट की गति पे चलने के बाद भी समय तो बैलेंस हो जाएगा, आप बहुत मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी तेज़ हो जाएगी आपकी गति, मगर उसके बाद भी जब आप 1,00,00,000 लाइट ईयर वर्ष दूर तारे पर पहुंचेंगे ना, तो वो तारा आपको वहाँ नहीं मिलेगा, वो तारा वहाँ से और दूरी पर जा चुका होगा। क्योंकि कहते हैं, मतलब कहते क्या है, फैक्चुअल बात है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, आज भी ये एक्सपेंड हो रहा है, क्लियर। सवाल का जवाब आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है What game was first produced by the Southern Novelty Company in Baltimore, Maryland in 1892? वो बोल रहा है 1892 में मैरीलैंड के बाल्टीमोरो में सर्दन नोवेल्टी कंपनी द्वारा सबसे पहले किस गेम का निर्माण किया गया था? फ्रिस्बी, वो याद है भाई साहब, मेरे ख्याल से वो फ्रिस्बी वही होता है, वो फेंकने वाला, जैसे हम बोलते थे प्लेट फेंक के मारेंगे और तेरा तो भाई वहाँ गिरेगा, तो वो वाले फ्रिस्बी की बात कर रहा है। मोनोपोली, उजी या बोर्ड या फिर पिंग पोंग, किसका आविष्कार किया गया था? सवाल आपके सामने, अभी और बहुत सारे सवाल आने हैं, वैक्सीन की खोज किसने करी, किसने इसकी खोज करी, किसने उसकी खोज करी, अभी इस प्रकार के सवाल भी आएंगे। पूरा कंप्लीट पैकेज है 75 क्वेश्चंस का, 100% कंप्लीट पैकेज है, इसके बाद आपको आविष्कारों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जल्दी से? देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। पिंग पोंग पता है कैसे टिक हो रहा है? फ्रिस्बी भी, मैं से बता रहा हूँ, अगर फ्रिस्बी भी हम पढ़ पाएंगे ना इजीली, और हम तो फिस्बी बोलते थे कि भाई फिस्बी लिया, हम तो सीधा बोलते प्लेट लिया, 5 वाली लिया 10 वाली लिया, 5 वाली दूर तक जाएगी और मतलब लंबी मार करेगी, और जो 10 वाली होगी वो दूर तक जाएगी, 5 वाली थोड़ी हल्की होती है, तो हमें तो यही पता है। पर फ्रिस्बी अगर हम पढ़ पाएंगे ना तो हम समझ पाएंगे वो किसकी बात कर रहा है, मगर सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है उजिया बोर्ड, फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड है, उजिया बोर्ड है सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। अब सर्च करके जरूर देख लेना ये उजिया बोर्ड आपको कौन सी गेम
खेलना सिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो अच्छे खासे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। थोड़ा सा मिक्स भी लाऊंगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही बेसिक सवाल आपके सामने रख दूं मैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच इंश्योरेंस सेल्समैन इन्वेंट द फाउंटेन पेन इन 1884। मैंने आपको कौन कौन से पेन पढ़ा दिए आज भाई साहब, मैंने आपको बॉल पॉइंट पेन आपको पढ़ा दिया, और अब सवाल है फाउंटेन पेन की खोज करने वाला कौन सा इंश्योरेंस सेल्समैन था। लुइस एडिसन, वाटरमैन, सर विलियम ग्रूवे, चार्ल्स कैटरिंग या फिर जॉर्ज फाउंटेन। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। वो कौन था जिसने फाउंटेन पेन की खोज करी 1884 में, 1884 में खोज करी गई। सवाल का सही जवाब रहेगा लुइस एडिसन वाटरमैन। ठीक है, लुइस एडिसन वाटरमैन के द्वारा खोज की गई थी फाउंटेन पेन की। ईयर कौन सा था? ईयर था 1884। क्या करते थे? इंश्योरेंस सेल्समैन थे व्यक्ति, इंश्योरेंस सेल्समैन थे, और इन्वेंट कर दिया क्या? फाउंटेन पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। When was the first elevator built? आप जानते होंगे मेट्रो में, अब तो इवन रेलवे स्टेशंस पे भी एलिवेटर्स लगा दिए गए हैं। तो सवाल यहाँ पर यही है कि भाई पहली लिफ्ट कब बनाई गई, एलिवेटर कब बनाई गई। चलिए भाई, पहली एलिवेटर कब बनाई गई? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है 1743 में, 1739 में, 1760s में, या फिर 1785 में। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। चलिए भाई भैया, 15 सेकेंड भाई साहब जिंदगी बदलने में काम आएंगे तुम्हारे। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जल्दी से देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। When was the first elevator built? और कहाँ लगाई गई, कोई बता पाएगा क्या? तो आप जवाब दोगे सर, किंग लुइस 15 के पैलेस में लगाया गया था इसे। क्या है सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे सवाल का जवाब सही दे रहे हैं, मगर सीधा सवाल का किंग लुइस 15 के पैलेस में लगाया गया था इसे। सवाल का जवाब है 1743। अब एक सवाल आपसे पूछूंगा मैं, एलिवेटर की खोज करने वाले का नाम क्या है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ एलिवेटर? एलिवेटर की खोज करने वाले का नाम क्या है, इन्वेंटर का नाम क्या है? चलिए जल्दी से बताइए एक बार, मैं आप सभी लोगों के एक बार देख लेता हूँ भाई साहब। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग राइट हैं सर, हम ही रॉन्ग हैं। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, और क्लास को लाइक वाइक कर दो भाई, क्लास को शेयर वेयर कर दो, ऐसे कैसे काम चलेगा इतना। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो यार कि कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस भी अगर आप थोड़ा सोचो ना कि नहीं यार पूरा डाटा मिल रहा है, कल पॉलिटी का पूरा डाटा मिल गया, उससे पहले अवार्ड्स का पूरा डाटा मिल गया, किताबों का पूरा डाटा मिल गया, पूरा का पूरा सेप्टेम्बर पढ़ाने का प्रॉमिस है, एक ही जगह एक ही टाइम एक ही प्लेस, इसके अलावा सारे के सारे इन्वेंशंस इन्वेंटर करवा रहे। बस इन्वेंटर का नाम बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ढूंढिए और नाम बता दीजिए, मैं ले चलता हूँ आपको अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर लिखना है तो लिख लेना, किंग लुइस 15 के दरबार में, उनके राज घराने में, उनके पैलेस में इन्हें लगाया गया था 1743 में। इन्वेंटर का नाम आप बताएंगे केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चार्ज कार्ड डेवलप इन 1950s वॉज द फर्स्ट टू बी एक्सेप्ट नेशनली इन द US। 1950 में विकसित कौन सा चार्ज कार्ड सबसे पहले अमेरिका राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया था? वो कौन सा चार्ज कार्ड था जिसे डेवलप किया गया 1950 में और वो एक्सेप्ट किया गया? आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से ये नाम से आप समझ गए होंगे किसकी वो बात कर रहा है, मेरे को आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। वीज़ा की, डिस्कवर की, मास्टर चार्ज की, या फिर डिनर्स क्लब की? वो कौन सा चार्ज कार्ड था जिसका निर्माण किया गया, इन्वेंट किया गया, डेवलप किया गया 1950 में और फर्स्ट एक्सेप्टेड नेशनली इन द US? वो कौन सा चार्ज कार्ड था? वीज़ा था, डिस्कवर था, मास्टर चार्ज था, या फिर डिनर्स क्लब था? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए बहुत बढ़िया, चंद्रावर चौधरी जी, बहुत ज़बरदस्त, सरसर अवार्ड्स के 35 अभी बाकी हैं जी, मुझे याद है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फ्रैंक मैक नमारा रहेंगे जिसने खोज करी है किसकी, चार्ज कार्ड की? फ्रैंक मैक नमारा रहेंगे, फ्रैंक मैक नमारा रहेंगे जिन्होंने खोज करी है किसकी, चार्ज कार्ड की? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डिनर्स क्लब रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। चौधरी जी बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। मास्टर कार्ड वाली न्यूज़ आपने देख ली होगी मेरे ख्याल से, मास्टर कार्ड को भारत सरकार ने मतलब प्रतिबंध लगा दिया था, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जितना मुझे याद है, मास्टर कार्ड ही था वो, क्योंकि ये डाटा वाटा ना थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे थे, और 2018 में भारत सरकार के द्वारा बोला गया था कि आप ये हरकत मत करिए वरना हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, ऐसा नहीं है तुम्हारे पास जो कार्ड है वो बैन हो गया, आगे नहीं बनाएंगे ऐसा कुछ, और अगर वो अपनी गलती को सुधार लेंगे तो फिर दोबारा से रिन्यू हो जाएगा उनका। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल स्क्रीन पर है, व्हाट एनरिको फर्मी इन्वेंटेड, ये नाम आपने जरूर सुना होगा मगर सर आपने लास्ट वाला सुना होगा फर्मी वाला, तो आप इतना ही पढ़ लीजिए कि एनरिको फर्मी ने किसका आविष्कार किया था, एक्सरे मशीन का, बैटरियों का, साइक्लोट्रॉन का या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर का। व्हाट एनरिको फर्मी इन्वेंटेड, ये सवाल हजारों बार पूछा गया एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम। प्रियंका गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। चलिए डेट आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब दीजिए भाई, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात करें तो शिकागो में बनाया गया था, शिकागो पाइल वन फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में आपको मिल जाएगा, शिकागो पाइल वन। और किसकी खोज इनके द्वारा की गई थी, तो आप जवाब देंगे सर न्यूक्लियर रिएक्टर की, ठीक, न्यूक्लियर रिएक्टर की ही खोज इनके द्वारा की गई थी, शिकागो पाइल वन मिल जाएगा, दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, ध्यान रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनकी जो कार्यकाल मिलेगा वो मिलेगा 1901 से लेकर 1954 तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको ये नजर आ जाएगा, न्यू अकाउंट बैन है, बहुत बढ़िया, मास्टर कार्ड वाला पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, बहुत अच्छे। आनंद कुमार जी आप तो भाई साहब आनंद ले रहे हैं पूरा जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पेटेंट बाय एन ऑस्ट्रेलियन इन 1889, निम्नलिखित में से किसकी पहली बार 1889 में एक ऑस्ट्रेलिया द्वारा पेटेंट करवाया गया था, मतलब वो कौन सी चीज थी जिसका पेटेंट एक ऑस्ट्रेलियन पर्सनैलिटी द्वारा करवाया गया था 1889 में। ऐसा कोई विद्यार्थी हमारे बीच मौजूद है क्या जिसे पेटेंट का मतलब अभी भी समझ नहीं आया, ऐसा कोई बच्चा हमारे बीच मौजूद है क्या? भारत ने लगभग 569% ज़्यादा पेटेंट करवाए हैं इन सात सालों में, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है हाल फिलहाल में, ठीक, भारत ने 549 या 569% ज़्यादा पेटेंट करवाए हैं इन 5-7 सालों में, ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया है। चलिए जवाब दीजिए भाई, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएं तो, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। बहुत बार आपको ये सवाल नज़र आता होगा, बहुत कुछ आपने देखा होगा इस सवाल से संबंधित, डेली ही न्यूज़ में बनी रहती हैं सभी चीज़ें। चलिए दीजिए भाई सवाल का जवाब, जल्दी से दीजिए सवाल का सही जवाब, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मौजूद हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और जिनके जवाब आप ढूंढते ही रह जाते हो, ठीक, जिनके जवाब आप ढूंढते ही रह जाते हो, उनके जवाब आपको मिलते नहीं हैं। सर इलेक्ट्रिक हीटर है, बहुत बढ़िया जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, इलेक्ट्रिक हीटर बोल रहे हैं बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे बच्चे, मगर सवाल का जवाब है इलेक्ट्रिक ड्रिल, वो ड्रिल मशीन दिखती है ना भाई साहब, इलेक्ट्रिक ड्रिल। तो सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है इलेक्ट्रिक ड्रिल, ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब, इलेक्ट्रिक ड्रिल। जितने डी दे रहे हैं वो सभी गलत दे रहे हैं, सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है इलेक्ट्रिक ड्रिल। 20 अगस्त 1889 को खोज करी गई थी, ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये पेटेंट करवाया गया, अपने नाम से दर्ज करवाया गया, सवाल का जवाब है इलेक्ट्रिक ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी ना वो किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, ये सवाल बहुत सारे एग्जामों में आया है, रॉबर्ट कूच के द्वारा, एडवर्ड जैनर के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ये रॉबर्ट हुक तो आप जानते ही होंगे, ये वो मिल जाएंगे सेल वाले, इन्होंने सेल की खोज करी थी, ठीक है ना। चलिए लुइस पाश्चर द्वारा, किसके द्वारा खोज करी गई स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, चलिए जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, ईयर मिल जाएगा 1796 के आसपास, बस प्लीज़ घबरा मत जाना जिसके जवाब ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जवाब ठीक नहीं हो रहे हैं तो दिक्कत चल रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं चल रही, बस आप जवाब दीजिए धड़ल्ले से, आराम से काम चल जाएगा, आप आराम से जवाब दीजिए शांतिपूर्ण तरीके से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, 1796 आपको ईयर मिल जाएगा, किसके द्वारा खोज करी गई, बस इतना सा सवाल है, बहुत बढ़िया बेसिक सवाल है, सवाल का जवाब है एडवर्ड जैनर के द्वारा, कौन से ईयर में, तो 1796 आपको ईयर मिल जाएगा जब इन्होंने इसका इन्वेंशन किया, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन्वेंशन इज क्रेडिट टू द रशियन बॉर्न अमेरिकन इन्वेंटर व्लादिमार कोस्मा जोवरिकिन, रूसी मूल के अमेरिकी आविष्कारी व्लादिमार कोस्मा जोवरिकिन को किस आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, टेलीग्राफ का, रेडियो का, टेलीविजन का या फिर डिश वॉशर का, क्या रहेगा सवाल का जवाब, 31 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 15 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा एक सवाल को टैकल करने के लिए, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए भाई, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, सवाल आपकी स्क्रीन पर है फटाफट से, नाम आपने पूरा का पूरा पढ़ ही लिया है, टेलीविजन की, टेलीग्राफ की, रेडियो की या फिर डिश वॉशर की,
वट इन्वेंशन इज क्रेडिट टू द रशियन बॉर्न अमेरिकन इन्वेंटर व्लादिमार कोस्मा जोवरिकिन? क्या है सवाल का सही जवाब? भारत में वो कौन था जो लेकर आया था टेलीविजन? आप बता दीजिए क्या है, भारत में वो कौन था जो लेकर आया था टेलीविजन, वो कौन था? चलिए जल्दी से क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया, डिशवॉशर। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। टेलीविजन की खोज करने वाला कौन था? चलिए यही बता दीजिए, टेलीविजन की खोज करने वाला कौन था? फिर सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है टेलीविजन, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। भारत में अगर बात करें कि कलर टेलीविजन लेने लेकर कौन आया, तो आप जवाब देंगे भारत के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी को श्रेय दिया जाता है भारत में कलर टीवी लाने का और भारत में कंप्यूटर लाने का। ये दोनों ही श्रेय किसको दिए जाएंगे? तो राजीव गांधी को दिए जाएंगे। सवाल का सही जवाब क्या है? टेलीविजन। आप खुद देखिए जिस चीज़ को आप डायरेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, आप खुद देख लीजिए ये काम। आप मतलब आप घर में डेली टेलीविजन देख रहे हो, आप घर में डेली टेलीविजन देख रहे हो, मगर सवाल का जवाब नहीं पता आपको। सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। नहीं नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए सवाल है, बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज अ प्रोफेलिक इन्वेंटर, ही इन्वेंटेड द लाइटिंग रॉड, द फ्रैंकलिन स्टोव, स्टडीड इलेक्ट्रिसिटी, डिस्कवर्ड द गल्फ ऑफ स्ट्रीम, स्टार्टेड द फर्स्ट लाइब्रेरी, एंड ऑन अमंग हिज मैनी अदर इन्वेंशन, वॉट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड ही इन्वेंट? वो बोल रहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन एक विपुल आविष्कारी थे, मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सारे आविष्कार किए, इस प्रकार से सवाल पूछ रहा है। अभी सवाल पढ़ाया था बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित तुम्हें, ठीक, तो आप देख रहे हो किन किन चीज़ों की खोज उन्होंने करी। उन्होंने बिजली की छाड़ का आविष्कार किया, फ्रैंकलिन स्टोव बनाया, बिजली का अध्ययन किया, गल्फ स्ट्रीम की खोज करी, पहला पुस्तकालय शुरू किया, और आगे भी अपने कई अन्य आविष्कार में उन्होंने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? बहुत सही सवाल है भाई, ठीक है, अगर आप एक अच्छे खासे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, जल्दी से फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज करी? जैसे सवाल पूछा जाता है ना एग्जाम में कि तबला, तबला की खोज किसके द्वारा की गई, बताना जरा जल्दी से। तबला और सितार की खोज, तबला और सितार का खोज किसे का श्रेय दिया जाता है? तबला और सितार की खोज करने का, इस सवाल का जवाब दीजिए। हिस्ट्री से संबंधित सवाल है, और वो जो सवाल आपके सामने लिखे हैं, बांजो, ओबे, क्लैरिनेट या फिर हारमोनियम, सवाल का सही जवाब क्या है? हारमोनियम। आपने देखा होगा वो भाई साहब बड़ा सा डिवाइस होता है, वो ऐसे करके यूं यूं करके बजाया जाता है। तो हारमोनियम की खोज का श्रेय किसे दिया जाएगा? हारमोनियम की खोज का श्रेय दिया जाएगा ऑप्शन नंबर डी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सारे चांसेस हैं कि एग्जाम में पूछा जाए, इतना बड़ा सवाल ना पूछ के वो डायरेक्ट लिखेगा हारमोनियम की खोज किसके द्वारा की गई, और बच्चा इतना समझदार है वो लिख कर आएगा हारमोनियम की खोज की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मतलब बच्चा इतना समझदार है हमारे पास, कैंडिडेट इतना समझदार है। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा खोज करी गई। ये बता दीजिए तबला और सितार की खोज किसके द्वारा की गई? आमिर खुसरो के द्वारा। बहुत बढ़िया, तबला और सितार की खोज किसके द्वारा की गई? तो आमिर खुसरो के द्वारा खोज की गई थी तबला और सितार की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है स्क्रीन पर, व्हाट थॉमस डेवनपोर्ट इन्वेंटेड? वो बोल रहा है थॉमस डेवनपोर्ट ने किस चीज़ का आविष्कार किया? स्क्रू प्रोपेलर का, इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार का, चेस्टर फील्ड का, या फिर स्लीपिंग रेलवे कार का? चलिए, स्क्रू प्रोपेलर का, इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार का, चेस्टर फील्ड का, या फिर स्लीपिंग रेलवे कार का? थॉमस डेवनपोर्ट ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। हाँ फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इनके द्वारा फर्स्ट अमेरिकन डीसी मोटर का भी निर्माण किया गया था। क्या है इस सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब है इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार रहेगा इस सवाल का सही जवाब। इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार है, व्हाट वाज थॉमस डेवनपोर्ट इन्वेंटेड, इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एलिसा ऑटिस इन्वेंटेड, ये जो एलिसा ऑटिस है इन्होंने किसका खोज करी, किसके ये इन्वेंटर है? द ब्रेक यूज इन अ मॉडर्न एलिवेटर्स, जेट इंजन, टर्बाइन, या फिर हाइड्रोलिक क्रेन? अब आप खुद सोचिए कि इस नाम को नीचे लिखकर और इन ऑप्शन को ऊपर दे दिया जाए,
कि भाई किसने खोज करी टर्बाइन की, किसने खोज करी हाइड्रोलिक क्रेन की, या किसने खोज करी मॉडर्न एलिवेटर्स में लगी हुई ब्रेक्स की, तो आप जवाब देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये सवाल आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। 1861 1861 के आसपास खोज की गई थी। क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए भाई, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए ज़रूर से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। द ब्रेक यूज इन द मॉडर्न एलिवेटर्स, जेट इंजन, टर्बाइन या फिर हाइड्रोलिक क्रेन, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, द ब्रेक यूज इन मॉडर्न एलिवेटर्स, जो मॉडर्न एलिवेटर्स में ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है उनकी खोज करने का श्रेय किसे दिया गया है? एलिसा ओर्टिस को दिया गया है उनकी खोज करने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। वेयर आर द यो यो इन्वेंटेड, जो यो यो है उसका इन्वेंशन कहाँ किया गया? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, यो यो का इन्वेंशन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द यो यो इन्वेंटेड, ये यो यो का इन्वेंशन कहाँ किया गया? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। चलिए, एक प्रकार की गेम आपको नजर आएगी भाई, यो यो, ये यो यो का जो इन्वेंशन है वो कहाँ पर किया गया? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसने बचपन में यो यो ना चलाया हो। वो वाली गेम याद है, वो मतलब ऐसे रस्सी सी लपेट देते थे हम, फिर यूं करके यूं खेलते थे। ये उस यो यो की बात कर रहा है। अब तुम्हें हिंदी वाले नाम तो पता है, हिंदी वाले तुम्हें नाम पता नहीं, तुम्हें बस ये पता है वो फेंकने वाला होता ना सर, यूं करके ऊपर आ जाता है भाई, यो यो बोलेंगे उसे। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जल्दी से, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, फिलीपींस है या फिर इंग्लैंड है। बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा फिलीपींस। फिलीपींस से संबंधित क्या रहेगा? रैमन मैगेसेसे पुरस्कार हाल फिलहाल वाला दिया गया है, पांच लोगों को दिया गया है, पांचों लोगों के नाम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बांग्लादेश वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बांग्लादेश वाली पर्सनैलिटी को दिया गया, मुस्लिम व्यक्ति है, नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, तो ईजिली आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। वट डज द वर्ल्ड ओव एलोम स्ट्रोक वेयर अ डेबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, दुनिया किस कृतज्ञ का तरणी है एल्बन स्ट्रोगर का? भाई ये एल्बन स्ट्रोगर जो है ना, उन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया? सीधा सा इतना सवाल है। पार्किंग मीटर्स का, वेंडिंग मशीन का, ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज का या फिर ट्रैफिक लाइट का? नाम यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए बस। एल्बन स्ट्रोगर ने किसकी खोज करी है? सवाल केवल इतना है। दयाल रॉज जी, अगर आप इतना ही याद कर लेंगे ना सर, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप समझिए मेरी बात को, जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना, आप डेफिनेटली बिल्कुल 100% छोटी गलत मानिए कि वो सभी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी। मगर सर, आप ये 75 क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए ना, तो आप मान लीजिए 75 साल तक काम चल जाएगा आपका, 75 साल तक। ठीक है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। पार्किंग मीटर्स, वेंडिंग मशीन, अब वेंडिंग मशीन आपने देखी होगी सर, जिसमें से वह सामान आप उठाने वाला काम कर लेते हैं, वो वेंडिंग मशीन की बात कर रहा है। मेट्रो स्टेशन पे आपने देखी होगी, ट्रैफिक लाइट आपने देखी होगी, ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज की बात कर रहा है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज, ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज की वो बात कर रहा है। इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाएगा? एल्बन स्ट्रोक वर्क को दिया जाएगा इसकी खोज का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डेकेड वॉज द टेलीग्राफ इन्वेंटेड, टेलीग्राफ की खोज कौन से ईयर में हुई और किसके द्वारा? चलिए फटाफट से, टेलीग्राफ की खोज कौन से ईयर में हुई और किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था टेलीग्राफ को? इन्वेंटर का नाम भी बता दीजिए भाई, इन्वेंटर कौन था जिस इन्वेंटर के द्वारा टेलीग्राफ की खोज की गई थी? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टेलीग्राफ का इन्वेंटर कौन था, किसके द्वारा टेलीग्राफ की खोज की गई थी? सर आई एम राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आपके सवाल के सभी जवाब सही हैं। चलिए, कौन सा वो ईयर मिल जाएगा और कौन सा वो व्यक्ति मिल जाएगा जिसके द्वारा खोज की गई थी? बढ़िया सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% चांसेस है। इन्वेंटर का नाम भी बता दीजिए साथ साथ, ताकि दोनों ही सवाल मेरे पूरे हो जाएं, क्लियर। इसके अलावा सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा 1840 के आसपास आपको खोज करते हुए इसकी नज़र आएंगे। व्यक्ति का नाम बता दीजिए, वो पर्सन कौन था जिसने खोज करी थी टेलीग्राफ की? केवल पर्सन का नाम आप मुझे बता दीजिए। जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी ही खोज आपको करवा रहा हूँ मैं, कि किसने किसकी खोज करी, एक बारी में काम चल जाएगा सारा का सारा। सवाल का जवाब है 1840, वैसे 1841 में हुई थी, मगर ईयर हमारे पास 40s वहाँ लिखा हुआ है, तो काम चल जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इंस्पायर्ड रिफ्लेक्टिंग रोड लाइट्स टू बी इन्वेंटेड, किस प्रेरित प्रवर्तक रोड लाइट का आविष्कार किया जाना है? मतलब रिफ्लेक्शन रोड लाइट जो है ना, उसका इन्वेंशन कैसे किया गया, सवाल यहाँ पर ये है। कार डोर रिफ्लेक्शंस ऑफ मिरर, टू लाइट्स, अ कैट आइस गेव ऑफ ऑन अ फेंस,
सनलाइट ऑन अ स्टील पोर्ट्स ऑन अ रोड साइड, द सनलाइट ऑन अ विंडशील्ड। वो बोल रहा है कि कार के दरवाजों पर प्रतिबंधित दर्पण प्रकाश एक बिल्ली की आंखों ने एक बाढ़ पर छोड़ दिया। मतलब वो बोल रहा है कि भाई साहब आप अच्छे से अपनी फोकस कर सके उस प्रकार से। इसके अलावा सड़क के किनारे लगे स्टील पोर्ट्स पर सूरज की रोशनी या फिर विंडशील्ड पर सूरज की रोशनी, चलिए जो रिफ्लेक्टिंग रोड लाइट्स है उसको इन्वेंट करने का क्या था श्रेय, क्यों उसको इन्वेंट किया गया, सवाल यहाँ पर ये है। चलिए जवाब दीजिए भाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अजीब व गरीब भी आपको लगेगा, मगर सीधा सा आप ध्यान रखिए कि भाई साहब हमारी जो आंखें हैं वो साफ क्लियर देख पाएँ बाहर की सभी चीज़ों को जब हम ड्राइव करें, इसीलिए रोड लाइट्स को इन्वेंट किया गया। आप सीधी सी ये बात करेंगे, ठीक है ना, आपको सब चीज़ें नज़र आएँ इसीलिए। तो सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, वेयर वर ब्लू जीन्स इन्वेंटेड, जो तुम जीन्स पहनकर घूम रहे हो ना उस नीली जीन्स का आविष्कार कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, 1900 में हुआ था, 1800 में हुआ था, 60 में, 70 में या 50 में। ब्लू जीन्स का आविष्कार कब हुआ था, कहाँ हुआ था, जल्दी जवाब दीजिए भाई, ये जो ब्लू जीन्स है उसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। चलिए ब्लू जीन्स का आविष्कार कहाँ हुआ और कब हुआ, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। तारीख आपको मिल जाएगी 20 मई 1773 के आसपास, बस अच्छा यही बताना था, तारीख आपको मिल जाएगी 20 मई 1873 के आसपास, जगह आप बता दीजिए, जगह आपको मिल जाएगी सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना, और लुइस स्ट्रेस नाम के व्यक्ति मिल जाएंगे, लुइस स्ट्राउस नाम के व्यक्ति मिल जाएंगे जिसके द्वारा इनकी खोज की गई थी। जगह कौन सी मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी आपको सैन फ्रांसिस्को, जगह आपको मिल जाएगी सैन फ्रांसिस्को, लुइस या फिर लिवाइस स्ट्रोस नाम के व्यक्ति मिल जाएंगे, और ईयर मिल जाएगा आपको 1870 में, कौन सा 1873, 1873 आपको मिल जाएगा ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, माइकल फ्राडे, एल्फर्ड बी नोबल या फिर थॉमस एल्वा एडिसन। किसने खोज करी इलेक्ट्रिक जनरेटर की खोज करने का श्रेय किसे दिया गया है, सीधा सा सवाल है, जवाब दीजिए फटाफट से, किसने खोज करी इलेक्ट्रिक जनरेटर की, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। ईयर आपको मिल जाएगा 1831, 1831 आपको ईयर मिल जाएगा। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब रहेगा माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। इसके अलावा आप जानते होंगे कि जो फ़ोन है, फ़ोन की खोज किसके द्वारा की गई, अगर फ़ोन टेलीफोन की बात करें तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें हम मोबाइल फ़ोन की खोज किसके द्वारा की गई तो आपको मिल जाएंगे मार्टिन कूपर। मोबाइल फ़ोन की खोज किसके द्वारा की गई तो आपको मिल जाएंगे मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर के द्वारा खोज की गई थी मोबाइल फ़ोन की। इसके अलावा थॉमस एल्वा एडिसन ने जिसकी खोज करी वो मैंने आपको करवाई दिया, क्लियर। चलिए 40 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, अभी इस क्लास को यहीं रोकते हैं, जो बाकी बचे हुए सवाल रहेंगे उसको हम फिर अपनी अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने की कोशिश करता हूँ कि एक सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में दे दूँ ताकि आप कल की क्लास में उस सवाल को करके आएँ, ठीक। तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूँ फटाफट से ताकि इस सवाल को आप करके आएंगे अपनी क्लास में। सवाल है, व्हाट इन्वेंशन वॉज फर्स्ट इंस्टॉल्ड एट हार्टफोर्ड कनेक्टर्स बैंक इन 1889 में हार्टफोर्ड कनेक्टिक बैंक में सबसे पहले कौन सा आविष्कार स्थापित किया गया था। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देंगे, क्लियर। लगभग मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, वैसे तो मैं 75 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया था मगर 40 बहुत हैं, ज़्यादा भी एक साथ तुम्हारे दिमाग पर जोर दे दिया ना तो जितना तुम्हें करवाया तुम उतना भी भूल जाओगे, फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट ही हैं। मैं मानता हूँ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं मगर क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं, क्लियर। चलिए ठीक, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, वो जवाब मैं आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, कौन से जवाब की आपको कोई बता दीजिए, किसी का कोई जवाब रह गया तो, किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए फटाफट से। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 40 में से 20 बने, बहुत बढ़िया जी। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, किसी का कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत रह गई है तो, ठीक। चलिए जी बहुत बढ़िया, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।